अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक। तो चलें हम चॉकलेट कपकेक की तरफ चलते हैं अपनी। तो चलें, एक बाउल में मैंने ये 50 ग्राम मक्खन लिया है, इसको मैं बिटर की मदद से अच्छे से बीट करूंगी। अब बीट करने के बाद मैं इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से बीट करूंगी, देखें। फिर इसके बाद मैं 4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डाल दूंगी। इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है 4 चम्मच। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद आप इसको फिर से बीट करें। बीट करने के बाद अब ये मैंने 2 अंडों की जर्दी ली है, एक एक करके मैं डालती जाऊंगी और अच्छे से बीट करती जाऊंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप मैदा लूंगी, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, मैंने छान के पहले से ही रखा हुआ था। और 3 चम्मच कोको बटर लूंगी। एक चम्मच मैंने वेनिला एसेंस लिया है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी इसमें। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कर लूंगी। ये देखें, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है। अगर आपको इसका बैटर ठीक लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालकर इसको फिर अच्छे से मिक्स करें। देखें, मेरा बैटर अभी भी ठीक लग रहा है। तो मैं इसके अंदर ये मैंने 4 चम्मच दूध लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और ये मैं सब इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए, अब मैंने ये एक बाउल में 2 अंडों की मैंने जर्दी उसमें डाली थी, अभी ये मैं सफ़ेदी है तो इसको मैं अच्छे से बीट करूंगी। और इसमें मैं 4 चम्मच चीनी के थोड़ी थोड़ी सी चीनी डालती जाऊंगी और इसको अच्छे से बीट करती जाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। मैं ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालती जाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और देखें, यहाँ पे मैंने ये कपकेक के ट्रे लिए और इसमें मैंने ये इस तरीके से लगा दिए हैं और ये मैं इसमें सब में थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी। इसको हल्के से टैप करके, और मैंने कढ़ाई पहले से प्रीहीट करने के लिए रखी, अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूंगी। 15 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो देखें फ्रेंड, ये मेरे कपकेक बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से बेक हुए हैं। अब मैंने ये 4 खाने के चम्मच चॉकलेट ली है जो मैंने पहले से मेल्ट करके रखी थी। अब मैं ये कपकेक इसके अंदर इस तरीके से थोड़े थोड़े से इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगाऊंगी, ऊपर से इस तरीके से मैं ये इसके अंदर डिप करके ऊपर से चॉकलेट लगाती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। ये देखें, मैं सारे कपकेक पे इसी तरीके से ही
चॉकलेट लगा दूंगी और इस पे मैं थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। ये मेरे पास स्टार हैं, ये मैं इस तरीके से सारे पे स्टार लगा दूंगी। तो देखें फ्रेंड, मेरे ये कपकेक तैयार हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। ये मैंने मिनी कपकेक भी बनाए हैं थोड़े से, ये दो अंडों से ये सारे कपकेक बने हैं। तो देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, ये देखें, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें। ये देखें, ये हमारा मिनी कपकेक है, बिल्कुल छोटा सा। बच्चों को ये बहुत ही पसंद है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। मैंने ये दो अंडों से इतने सारे कपकेक बनाए। तो देखें, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।